अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुलकरनैन और आप देख रहे हैं सेलोटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो सीरीज लेकर आया हूं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको वेजल के बारे में बताऊंगा एंड हाउ यू कैन यूज इट टू बिल्ड योर अवेसम वेब ऐप। तो सबसे पहले हम वेजल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम टाइप करते हैं वेजल लारावेल। विजय लारावेल को टाइप करने के बाद आप सब सबसे टॉप पे देख सकते हैं विजय द मिसिंग लारावेल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास विजय की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है द मिसिंग लारावेल। अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो आप ये देख सकते हैं विजय पर टोटल 8,88,888 डाउनलोड्स हैं इसकी, 9,572 स्टार्स हैं। अगर हम दोबारा ऊपर जाएं इसकी डेफिनेशन में जाते हैं कि विजर क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं इसकी, तो हम सबसे पहले जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो चुकी है, वेलकम टू विजर डॉक्यूमेंटेशन फॉर वर्जन 1.4। विजर का वर्जन 1.4 इस टाइम चल रहा है और ये बता रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंटेशन में वो आपको किस बताएगी कि विजर को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। चलते हैं सेकंड व्हाट इज विजर के ऊपर। व्हाट इज विजर? बिफोर इंस्टॉलिंग विजर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ क्विक मोमेंट टू लर्न व्हाट इज। अब विजर जो है वो आपके पास एक एडमिन इंटरफेस है हमारी लारावेल ऐप का। इस विजर को हम यूज कर सकते हैं एड एडिट डिलीट अपने डेटा को। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा को हम करेक्ट परफॉर्म कर सके अपने डेटा का, तो हम विजर लारावेल एडमिन के थ्रू इस काम को कर सकते हैं। तो थर्ड जो उसमें बताया गया है कि विजर इज ऑल्सो यूज फॉर मेन्यू बिल्डर। वी कैन बिल्ड फॉर योर ऐप। इसके अलावा हम मीडिया मैनेजर को भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम थ्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि विजर इज सिंपली एन एडमिन फॉर योर लारावेल ऐप। ये हमारी लारावेल ऐप का एक एडमिन पैनल है। वॉट इट इज नॉट, तो मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि विजर जो है एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS है, बट इट इज़ नॉट अ CMS और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। येस वी कैन चेंज इट टू CMS और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बाई एडिंग सम फंक्शनैलिटीज टू इट। तो अब चलते हैं हम इसकी विजर को अपने पास इंस्टॉल करने के लिए हमें लारावेल 6 या फिर लारावेल 7 वर्जन रिक्वायर होता है। इसके अलावा PHP का 7.3 वर्जन होना ज़रूरी है या उससे नेक्स्ट को नया वर्जन आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ विजर का इंट्रोडक्शन दूंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम विजर को किस तरह से अपने लोकल होस्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं ओपन करता हूँ अपने पास विजर को। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं लोकल। सबसे पहले हम सैम को ओपन कर लेते हैं। हमने अपना जैम को स्टार्ट कर दिया है। जैम को स्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे लोकलहोस्ट। हमारे पास वेजर ओपन हो चुका है। इसके बाद हम इसके डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल को यूज़ करते हुए इसे ओपन करते हैं। आपको ये वेजर डैश का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। जब हम वेजर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें डमी डेटा भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सब डमी डेटा इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर एक यूज़र, चार पोस्ट और एक पेज भी डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दिया गया है। तो अब चलते हैं हम, ये डैशबोर्ड है, इसके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये मेन्यू शो हो रहा है। इस मेन्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। इस मेन्यू को हम
मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप चलते हैं कैटेगरीज में। कैटेगरीज में ये कैटेगरीज है, हम कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो सकते हैं पोस्ट में, हमें ऑलरेडी चार पोस्ट क्रिएट करके दी गई हैं और हम चाहें तो इन पोस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम चाहें तो नई पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। देन मूव टू यूजर्स, यहाँ पर हम मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने के बाद हम उन्हें रोल्स भी असाइन कर सकते हैं। देखें आप, उसके अलावा ये पेजेस आ गए, हमें डिफॉल्ट एक पेज बना कर दिया गया है। देन मूव टू रोल्स, हम जो यूजर्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जो यूजर्स क्रिएट करेंगे उन्हें इन यहाँ पर हम रोल्स भी असाइन कर सकते हैं, उन्हें परमिशंस भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ चुका है एडिट, आप देख सकते हैं कि एडमिन के पास इस टाइम सारे परमिशंस हैं, कंप्लीट परमिशंस दी। इसके अलावा हम चलते हैं मीडिया में। मीडिया में हमारे पास लारावेल ऐप में जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, इसके अलावा पीडीएफ हैं या कोई भी फाइल्स हैं, वो हमें मीडिया मैनेजर के अंदर मिल जाती हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टूल्स। टूल्स में हमें चार मेन्यू बिल्डर दिया गया है, डेटाबेस दिया गया है, कंपस दिया गया है, ब्रेड दिया गया है और बुक्स दिया गया है। सबसे टॉप है मेन्यू बिल्डर। मेन्यू बिल्डर में हम मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम चाहें तो न्यू मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। मेन्यू बिल्डर के बाद हम जाते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्रिएट न्यू टेबल करेंगे। क्रिएट न्यू टेबल करने के बाद हम यहाँ पर टेबल का नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट कॉलम नेम्स, उसके अलावा यहाँ पर टाइप्स मेंशन करेंगे। आप जानते हैं कि लारावेल जो है वो MVC को फॉलो करता है, MVC, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर को। तो अगर हम चाहें तो जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसी के साथ मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा अगर हम इंस्टॉल को यस कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं कंपस में। कंपस में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेजर की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, या वेजर का होम पेज है। इसके अलावा ये डिफरेंट आपको वेजर फॉन्ट्स क्लासेस मैपिंग दिए गए हैं, क्लास मैपिंग दी गई है जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रेड में जाते हैं। ब्रेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम न्यू ब्रेड भी क्रिएट सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ब्रेड बेसिकली जो है वो क्रड होता है, बी से हम ब्राउज कर सकते हैं, आर से रीड, ई से एडिट, ए से ऐड और डी से डिलीट। जिस तरह हम क्रड में सी से क्रिएट, रीड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं, इसी तरह हम ब्रेड भी एक क्रड ही है। देन मूव टू हुक्स। जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर हम कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज को ऐड करने के लिए हम प्लगइन यूज़ करते थे, इसी तरीके से हम वेजर के अंदर अगर कोई एडिशनल फंक्शनलिटी को ऐड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए हुक्स का यूज़ करेंगे। तो आने वाली वीडियो सीरीज में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम हुक्स को यूज़ करते हुए एडिशनल फंक्शनलिटीज को ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास होता है सेटिंग। सेटिंग में हम यहाँ पर टाइटल सेट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, या लोगो सेट कर सकते हैं। और ये आपको बस मैंने एक शॉर्ट इंट्रो दिया था वेजर लारावेल ऐप का। और इसके इन द नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप वेजर को अपने पास किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं।